दोस्तों गुड मॉर्निंग आ चुका है 5 अप्रैल 2020 और देश के अलग अलग राज्यों से आशा और आंगनबाड़ी से संबंधित काफी जरूरी अपडेट निकल कर आ रही हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ। आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कर रही वार्डों में सर्वे और ये न्यूज निकल कर आ रही है उत्तराखंड के नैनीताल से। कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने और वहां रह रहे बाहरी लोगों का सर्वे करने के लिए अब जिला प्रशासन की पहल पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी कार्य शुरू कर दिया है। शनिवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने पालिका ईओ अशोक कुमार वर्मा से इस बाबत जानकारी प्राप्त की। आशाओं ने सुरक्षा के लिए मास्क सैनिटाइजर आदि की मांग की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग के लिए बनाई गई पालिका टीम ने भी निजी सुरक्षा के लिए मास्क व सैनिटाइजर की मांग की। उधर भवाली में भी आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता टीम बनाकर क्षेत्र में पड़ताल करेंगी और इसकी रिपोर्ट पालिका को देंगी। अधिशासी अधिकारी ईश्वर सिंह रावत ने बताया कि सभी 7 वार्डों के लिए टीमों का चयन कर शनिवार से सर्वे का कार्य शुरू कर दिया गया है। पालिका अध्यक्ष संजय वर्मा ने सभी 7 वार्डों के सभासदों से जन जागरूकता की टीम को लोगों से मिलने और सहयोग करने की अपील की है। और दोस्तों अगली अपडेट निकल कर रही है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से। आशा बहुएं दूर करेंगी लोगों की समस्याएं। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम को लिए गए लॉकडाउन के बीच दूसरे राज्य एवं जनपदों से गाँव लौट रहे लोगों की आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से ट्रैकिंग कराई जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जिला सामुदायिक प्रक्रिया मैनेजर पाठक ने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं को अप्रैल व मई माह में 1,000 रूपए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आशा संगनी को भी अतिरिक्त भ्रमण पर 100 रूपए एवं अधिकतम 500 रूपए प्रति माह मिलेंगे। आशा बहुओं ने क्षेत्र में भ्रमण कर 14 दिनों के भीतर बाहर से आने वाले लोगों को चिन्हित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही होम क्वारंटाइन लोगों का फॉलो करेंगी। 60 साल से अधिक उम्र के लोगों एवं डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हृदय रोग एवं सांस संबंधी बीमारी से ग्रसित लोगों के घरों का भ्रमण करेंगी। ग्रामीण आशा कार्यकर्ताओं को प्रतिदिन 25 से 30 घरों का भ्रमण करना पड़ेगा। और दोस्तों अगली अपडेट निकल कर रही है हिमाचल प्रदेश के सोलन से। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाए मेडिकल किट। आंगनबाड़ी वर्कर एवं हेल्पर यूनियन आरके की प्रधान बिमला ठाकुर ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मेडिकल किट उपलब्ध कराने की सरकार से मांग उठाई है। उन्होंने कहा कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ही आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शामिल किया है। इस आपातकालीन स्थिति में अगर प्रशासन कोरोना की डोर टू डोर मैपिंग के कार्य में आंगनबाड़ी वर्करों को शामिल करता है तो उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने मांग उठाई कि अन्य कर्मचारियों की तरह उन्हें भी बीमा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने सरकार व विभाग से मांग उठाई है कि कोरोना मैपिंग करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मेडिकल किट उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा मैपिंग के दौरान ड्यूटी करने पर 100 के बजाय 300 रूपए दैनिक भत्ता दिया जाए। और दोस्तों अगली अपडेट निकल कर रही है उत्तराखंड के देहरादून से। आशा कार्यकर्ताओं के लिए सुरक्षा उपाय की मांग। सीटू से संबद्ध उत्तराखंड आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ता यूनियन ने कोरोना महामारी के समय स्वास्थ्य सेवाओं में लगी आशा कार्यकर्ताओं के लिए भी सभी सुरक्षा उपाय कराने की मांग की है। इस संबंध में यूनियन ने प्रभारी मंत्री को ज्ञापन भी दिया। यूनियन प्रांतीय अध्यक्ष शिवा दुबे ने कहा कि कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी बनी हुई आशा कार्यकर्ता लॉकडाउन में भी अपने फील्ड में स्वास्थ्य सेवा का कार्य कर रही है। जनता को कोरोना वायरस से बचाव को जागरूक करने, यदि कोई व्यक्ति बाहर से आया है उसे चेकअप के लिए अस्पताल ले जाना आदि कार्य आशा वर्कर विभाग के निर्देशानुसार कर रही है। लेकिन आशा वर्कर की सुरक्षा का कोई भी इंतजाम नहीं किया गया। इनको मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स आदि कोई भी बचाव संबंधी उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए। इन्हें ये सारी सुविधाओं के अलावा उनका कोरोना वायरस के दौरान स्वास्थ्य बीमा भी तत्काल प्रभाव से कराया जाए। और दोस्तों अगली अपडेट निकल के आ रही है बिहार के बेतिया से। अभिभावकों के खाते में जाएगी THR की राशि। लॉकडाउन के दौरान बाल विकास परियोजना के तहत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों से संबद्ध बच्चों के अभिभावकों के खाते में THR की राशि भेजी जाएगी। ICDS की DPO डॉक्टर निरूपा कुमारी ने बताया कि लॉकडाउन के कारण सभी आंगनबाड़ी केंद्र भी आगामी 14 अप्रैल तक बंद करने का फिलहाल आदेश है। ऐसे में केंद्रों के लाभुकों को गर्म भोजन व THR की जगह समतुल्य राशि ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए लाभुकों का ऑनलाइन निबंधन किया जा रहा है। DPO ने बताया कि सेविकाओं को लाभुकों का खाता संख्या उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन कई केंद्रों या परियोजनाओं से आधा अधूरा ही खाता संख्या उपलब्ध हो सका है। ऐसे में लाभुक घर बैठे ऑनलाइन निबंधन का राशि को सीधे खाते में प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है राजस्थान के पाली से। आशाओं ने ठाना है कोरोना को हराना है। कोरोना वायरस को हराने में चिकित्सा विभाग के साथ ऐसी महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही हैं जिनको मानदेय के नाम पर महज 2700 रूपए मिल रहे हैं। बावजूद वे एक योद्धा के समान मोर्चे पर डटी हैं। आशाएं दिन में घर घर जाकर कोरोना जैसे लक्षण वाले लोगों की जानकारी जुटाने के साथ इससे बचाव के लिए लोगों को प्रेरित कर रही है। इस काम के साथ कई आशाएं घर लौटने के बाद मास्क बनाती है और फिर अगले दिन गलियों में सर्वे करते समय वे निःशुल्क लोगों को बांट देती है। जिले के 10 ब्लॉकों में करीब 1500
से अधिक आशा कार्यरत हैं, इनमें से 100 से अधिक आशाओं ने अभी तक मास्क बनाकर उपलब्ध कराए हैं। यह मास्क भी उन्होंने अपने स्तर पर तैयार किए हैं और निःशुल्क बांटे हैं, जबकि उनकी आय महिला एवं बाल विकास व महिला अधिकारिता विभाग में सबसे कम है। और दोस्तों अब आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोग देश के किस राज्य से आंगनबाड़ी या फिर आशा बहन है। नीचे कमेंट बॉक्स में आके अपने राज्य और अपने जिले का नाम लिखिए और आगे लिखिए आंगनबाड़ी या फिर आशा, जिससे कि आगे मुझे न्यूज देने में मदद मिलेगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।